व्यूवर वीडियो में हम क्रिएट करेंगे इंग्लिश क्वेश्चन पेपर फॉर नर्सरी क्लास एन एम एस सोल्व टू थाउजेंड नाइनटीन सो दिस इज ऑफ क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री एंड द सेकेंड पेज ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव तो आइए शुरू करते हैं न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें फिर लेआउट पर आप चले जाएं, साइज सेलेक्ट करें दैट इज़ ए फोर मार्जिन सेलेक्ट करें दैट इज़ लास्ट कस्टम सेटिंग और फिर इसके बाद टाइप करें नेम ऑफ द स्कूल एंड टाइप नर्सरी क्वेश्चन पेपर देन सेशन और फिर इसके बाद लेफ्ट साइड पे आप टाइप कर सकते हैं टाइम आउट एंड देन सब्जेक्ट और राइट साइड पे आप टाइप कर सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स इसको आप सेलेक्ट करें लेआउट टैब पर आप चले जाएं। एक्स्ट्रा स्पेसिंग आप रिमूव करें अगेन इस हेडिंग को आप सेलेक्ट करें फ़ॉन्ट साइज आप इंक्रीज़ करें और स्टाइल आप चेंज करें दैट इज़ बोल्ड यहाँ पर एंटर की आप प्रेस करें बाय प्रेसिंग शेप प्लस माइनस की लाइन आप ड्रा करें फिर इसके बाद एंटर की प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर एडजस्ट हो जाएगा फिर इसके बाद आप टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन दैट इज कॉपी द अल्फाबेट्स ये स्ट्रक्चर आप क्रिएट करें अल्फाबेट्स आप टाइप करें इसके आगे आप ब्लैंक स्पेस छोड़ें अगेन इसको आप सेलेक्ट करें और फॉन्ट साइज इंक्रीज करें और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू टाइप करें राइट द अल्फाबेट्स अगेंस्ट द पिक्चर व्यू टेप पर चले जाएं ग्रिड लाइन को विजिबल करें और रेक्टेंगल शेप आप क्रिएट करें फ्रॉम द यहां पर क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा फिर इसके बाद इसके हाइट एंड वथ्थ आप सेट करें दैट इज़ वन फाइव टू फाइव इंचज शेप फिल से कलर आप सेलेक्ट करें वाइट शेप आउटलाइन आप सेलेक्ट करें दैट इज डार्क ग्रे कलर अगेन शेप फिल पर आप चले जाएं, इसमें आप पिक्चर इंसर्ट करें ऑनलाइन पिक्चर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं फ्राम आइकन भी आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से शेप में इंसर्ट करना चाहता हूँ दिस बिल आइकन और फिर इसके बाद एक और रेक्टेंगल शेप में क्रिएट करता हूँ दैट इज़ वन फाइव टू फाइव इंचज हाइट एंड वेट और एक लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट अल्फाबेट लिखेगा अगेंस्ट दिस्पेक्ट लाइन का कलर और वेट आप चेंज करें और इसको आप यहाँ पर एडजस्ट करें दोनों शेप को आप सेलेक्ट करें गो टू फॉर्मेट टेब सेलेक्ट अलाइन अलाइन मेडल एंड अलाइन सेंटर और फिर इसके बाद इसको आप ग्रुप करें दोनों शेप को आप सेलेक्ट करें बाय होल्डिंग कंट्रोल की और इसको आप कॉपी करें अगेन बाय यूजिंग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल इस शेप को आप सेलेक्ट करें और इसको आप कॉपी करें टू द राइट साइड ऑफ द पेज सेकेंड वन पिक्चर को आप चेंज कर सकते हैं द शेप फिल ऑप्शन एंड देन गो टू आइकन्स आइकन्स आप इन्जर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन इसी तरह पिक्चर भी आप इन्जर्ट कर सकते हैं नाउ हो थर्ड वन इस शेप पर आप क्लिक करें गो टू फॉर्मेट एंड देन शेप फिल यहाँ से पिक्चर आप इन्जर्ट कर सकते हैं द फोर्थ वन इसी तरह वन शेप को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू इज रेडी गो टू व्यू टेब ग्रेड लाइन को आप इन्विजिबल करें क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू के सामने आप मार्क्स भी टाइप कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप करना चाहता हूँ टेन मार्क्स और उसको मैं कभी पेज करता हूँ अगेंस्ट क्वेश्चन नंबर टू और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री में टाइप करना चाहता हूँ दैट इज मैच द अल्फाबेट विद फैक्चर्स ग्रेड लाइन को आप विजिबल करें अगेन रेक्टेंगल शेप को आप इंसर्ट करें और इसको लेफ्ट साइड पे आप एडजस्ट कर सकते हैं गो टू फॉर्मेट टेप और इसका साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं वन पॉइंट हाइट एंड विथ इसके अलावा शेप फिल कलर आप सेलेक्ट करें वाइट और यहां पर आप टाइप कर सकते हैं करेक्टर्स अल्फाबेट्स दैट इज ए कैपिटल ए आप टाइप कर सकते हैं और फोन साइज आप इनक्रीज करें अगेन इस रेक्टेंगल शेप को आप इसकी आउटलाइन कलर आप चेंज कर सकते हैं इसके अलावा इसको मैं कॉपी करता हूँ बाय होल्डिंग कंट्रोल की इसको ड्रैग करें टू द राइट साइड ऑफ द पेज और इसमें मैं शेप इंसर्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम शेप फिल सेलेक्ट पिक्चर सेलेक्ट फ्रॉम आइकन्स ऑनलाइन शेप भी आप क्रिएट कर सकते हैं ये भी ऑनलाइन आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से सिंबल मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसी तरह इन दोनों शेप को मैं सिलेक्ट करता हूँ बाय होल्डिंग कंट्रोल की इसको ड्रैग करें टू द राइट साइड ऑफ द पेज अगेन बाय होल्डिंग कंट्रोल की शेप को आप सेलेक्ट करें और इसको आप ड्रैग करें नीचे की तरफ नाउ चेंज शेप एंड अल्फाबेट्स चेंज शेप वन बाई वन क्वेश्चन नंबर थ्री इज रेडी फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फोर क्रिएट करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर वॉट कम इन बिटवीन द टू अल्फाबेट्स ये क्वेश्चन आप टाइप करें फिर इसके बाद सेकंड वन लाइन में आप टाइप कर सकते हैं वन टू अल्फाबेट्स आप टाइप करें इसके दरमियान स्टूडेंट्स मिसिंग अल्फाबेट टाइप करेगा इसी तरह इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसका फ़ोन साइज़ आप इंक्रीज करें ताकि ये विजिबल हो फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव दैट इज़ मैच अपर केस अल्फ़ाबेट विद लोअर केस अल्फ़ाबेट्स ये आप टाइप करें गो टू व्यू टेप ग्रिड लाइन को ऑप विजिबल करें और फिर इसके बाद रेक्टेंगल शेप आप ड्रा करें इसका शेप फिल सेलेक्ट करें वाइट कलर और शेप आउटलाइन सेलेक्ट करें डार्क ग्रे कलर इसमें आप अल्फ़ाबेट्स टाइप कर सकते हैं इसका फ़ोन कलर चेंज करें फ़ोन साइज भी चेंज करें सो दिस इज़ द अपर केस अल्फाबेट्स इसको आप कॉपी करें टू द राइट साइड ऑफ द पेज और इसमें आप अल्फाबेट्स को चेंज कर सकते हैं दैट इज लोअर केस दोनों को सेलेक्ट करें बाय होल्डिंग कंट्रोल की ड्रैग इट टू द राइट साइड इसकी कॉपीज आप ले सकते हैं और इसको आप ऊपर की तरफ ले जाएं इसको एडजस्ट करें बाय यूजिंग कीज बाय यूजिंग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल्स इन चारों को आप सेलेक्ट करें और नीचे की तरफ इसको आप ड्रैग करें अगेन इसको आप ड्रैग करें और फिर इसके बाद इन करेक्टर्स को आप वन बाय वन चेंज करें इसके अलावा मार्क्स को आप हर एक क्वेश्चन के सामने टाइप कर सकते हैं इसको मैं कॉपी पेश करता हूं। वीवर्स इस वीडियो में हमने सीखा हाउ टू क्रिएट इंग्लिश क्वेश्चन पेपर इन माइक्रोसॉफ्ट टू 2019 थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो